सवा ग्यारह के करीब कि हॉस्पिटल में एक बच्चा कोई बुर्का क्लैड लेडी ने किडनैप कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली पुलिस स्टेशन में हमने FIR तो लॉन्च कर ही लिया था और साइमल्टेनियसली हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि किश्तवाड़ आने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक तो सिंथन से और दूसरा ठाठरी से, इमीडिएटली हमने पहले ये दो जो नाकाज हैं हमारे इनको पलक कर लिया और राउंड द क्लॉक डायरेक्शन दे दी कि टिल फर्दर आर्डर यहां से कोई भी नफरी चेंज नहीं होगी और पूरा प्रॉपर फ्रिस्क होगा जो भी आउटसाइड गाड़ियां जा रही है, ये डायरेक्शन दे दी। उसके बाद जितने भी हमारे ऑफिसर हैं इस डिस्ट्रिक्ट के हैं, एडिशनल SP साहब है, हमारे DSP साहिबान है, SHO साहिबान है, लोअर सबॉर्डिनेट है, DPO का जितना मेरा स्टाफ है, आज DPO में छुट्टी की गई थी, सबको मार्केट में छोड़ दिया था कि कहीं भी इस चीज को आप देख लें। जो किश्तवाड़ टोन को हम बार बार कहते हैं कि CCTV यहाँ पर लगाने हैं और बहुत सारे लोगों ने लगा भी लिए, इससे हमें बहुत मदद मिली कि ये लेडी कहाँ से किस रूट पर चली और अकॉर्डिंगली हम लीड रहते रहे कि ये किस किस रास्तों से चली है। फाइनली हमें ये पता चला कि ये किस जगह है, वेटरनरी के पास एक मकान में एक लेडी ने जिसने किडनैप किया था ये उसके पास बचा था। CCTV की मदद, किश्तवाड़ के आवाम की मदद, किश्तवाड़ की आवाम बगैर मजबूत मिल्लत के जितने भी लोग हमें मिले सारे हमारे साथ चले, चाहे हम पैदल चले, चाहे हम गाड़ियों में चले, मीडिया हमारे साथ था, पैदल चले, गाड़ियों में चले, सारे हमारे साथ चले। तो ये हम सब की कोशिशों का नतीजा है कि फाइनली हमें बच्चा मिल गया और हमने उनके पेरेंट्स को फाइनली हमने उसको मेडिकल चेकअप के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया और यहाँ से हमने फाइनली वो पेरेंट्स के हवाले किया जाएगा, अभी उसका मेडिकल चल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर अपनी पुलिस का, किश्तवाड़ पुलिस का, किश्तवाड़ के लोगों का, मीडिया का म्युनिसिपलिटी यहाँ के जो चेयरमैन थे वो भी हमारे साथ साथ थे, मीडिया के जितने भी बंदे हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना थे। मैं हर एक बंदे का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा साथ दिया, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हुई, अदरवाइज ये चीज ऐसे पॉसिबल नहीं होती है। सर देखिए, ये तो हर एक पेरेंट्स को देखना चाहिए और आप गैदरिंग में आते हो अपने बच्चे को अनअटेंडेड ना छोड़े कोई भी, जैसे इस लेडी को, ये बड़ी इनोसेंट लेडी है, इसने इसको कहा कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप निकालो, मैं तब तक आपका बच्चा पकड़ती हूँ, और इन द मीन टाइम ये वहां से बच्चे को लेकर निकलती है। तो ऐसे किसी पर ट्रस्ट ना करें जिसको आप जानते नहीं हो, ऐसे किसी पर अननोन पर्सन पर आप ट्रस्ट ना करो, कोई भी चीज हो, बच्चे की बात नहीं है, कोई भी चीज हो, अननोन बंदे पर ट्रस्ट मत करो, अननोन कॉल पर ट्रस्ट मत करो। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आपको कॉल आती है आप अटेंड मत करो, वीडियो कॉल आती है जो आपका नंबर सेव नहीं है आपके पास, अटेंड मत करो, हो सकता है ये कोई इंटरनेशनल एलिमेंट्स का हो, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, हो सकता है ये कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, मत ये कॉल अटेंड करो, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। सर लोगों को ये सोच समझ के बात करनी चाहिए, देखना है किससे बात। देखिए हमने क्या प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ वो हमने बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से हमने इनको यहाँ से निकालने की कोशिश भी की हुई है, जिनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं है वो यहाँ से निकल भी रहे हैं और हम वेरीफाई भी करते हैं कौन कहाँ पर है, और टाइम पर मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे बच्चे को ढूंढा, मैं तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं बाहरी था, मुझे पता नहीं था, और फिर पता चला कि ऐसे ऐसे बातें मर उससे पहले जितने इन्होंने हमारी खिदमत की, आवाम ने की, SSP साहब ने, पुलिस ने, जितने भी लोग हैं, और इस वक्त मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारा बच्चा मिल गया, मैं उसका SSP साहब में और पुलिस के सबको शुक्रगुजार हूँ, और मीडिया का शुक्रिया मुबारक आगे बढ़ो।